तो सर सबसे पहले अपने कैमरे के बारे में बताइए, कैमरे के काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं यार। ये मेरा बच्चा है, जब हमेशा से शौक था एक कैमरा खरीदने का, एंड जब पैसे कमाने शुरू किए फिर एक छोटा सा कैमरा खरीदा। उसके बाद जब ये मन था हमेशा 5D खरीदने का, सो कैनन का कैमरा है ये लिया मैंने। एंड मुझे पोर्ट्रेट्स और वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, सो इसीलिए अभी रिसेंटली दुबई से लेंस लेके आया हूँ। सो फोटोग्राफी मेरा पैशन है, सीखी नहीं है, बस कैमरा खरीद के शुरू करती थी एंड वही कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, फ्रेंड्स के फोटोशूट्स और वो सब करता रहता हूँ। जॉर्डन में भी यही करने वाला हूँ। ट्रैवल का किशोर को बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे भी है, बट इतना नहीं है कि मतलब कि साल में एक छुट्टी चाहिए ही चाहिए, उसको चाहिए होती है इसलिए हम लोग कर लेते हैं। अभी हम लोग रिसेंटली मोरक्को से आए एक छुट्टी करके, एंड ये नेक्स्ट आ गया है हमारा, एंड अगला ताइवान भी एक प्लान है, एक US भी, अभी BCL का हमारा US जा रहे हैं जुलाई में। सो हैं बहुत सारी इस साल, फॉर्चुनेटली बहुत सारा ट्रैवल है। सो जॉर्डन को लेके कुछ प्लानिंग है कुछ? जॉर्डन मैंने जितना सुना है और जितना मैंने इमेजेस में अभी गूगल करके देखा है, उसमें जॉर्डन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बस मेरा मेन एम यही है कि अपने कैमरे से उसको कितना ब्यूटीफुली मैं कैप्चर कर सकता हूँ, मेन मेरा मोटिव यही रहेगा। देखना चाहता हूँ कितनी खूबसूरती से वो कर सकता हूँ। और बाकी यस, वहाँ का पेट्रा बहुत खूबसूरत है और डेड सी है, वो सब का उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। सो विद ऑल ऑफ दैट आई एम रियली एक्साइटेड। कुछ प्लान किया, क्या क्या कैरी करेंगे आप? यार ये तो सारा टाइम रहेगा पीठ पे, एक उसके 2-3 लेंसेज, जो मेरा पूरा कैमरा फोटोग्राफी किट है वो तो रहेगा। बाकी आई थिंक गर्मी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सो जितने कम कपड़े ले आ सकते हैं, मतलब यू नो ऑब्वियसली, बट टैनिंग ना हो यू नो, और फन होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा कभी किया नहीं है, यू नो ट्रैवल शो टाइप्स है। एंड सो ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है, बिकॉज कल BCL का फाइनल है, एक बार वो खत्म हो जाए फिर 2-3 दिन में देखूंगा क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। कितने दिन का ट्रैवल जॉर्डन? जॉर्डन इज़ अबाउट आई थिंक एक हफ्ता है, 17th को जाके 23rd का रिटर्न है, सो एक हफ्ता है। तो शूट के बारे में जाना चाहिए, शूट को लेकर क्या क्या है यार? अभी तो कुछ नहीं पता, मैं तो सोच रहा था मैं ही कर लूँगा फोटोशूट, बट सचिन कर रहा है, इज़ माई डियर फ्रेंड। एंड मैं फोटोग्राफी क्लिक करना जितना पसंद करता हूँ उतना मुझे फ़ोटो खुद का क्लिक करवाना इतना शौक नहीं है, बट यस एक्टर हैं तो इतना आई थिंक करना ही पड़ता है। सो देखते हैं क्या करते हैं, मैं कॉन्शियस नहीं होता हूँ बट मुझे शौक नहीं है इतना फोटो खिंचवाने का। यार मैं हमेशा ऐसा फटीचर ही रहता हूँ, मैं फटीचर ही रहता हूँ मोस्टली ऐसे, बट दिस इज समथिंग आई रियली लाइक वेरी। गर्मियाँ में तो हवा आती रहती है ये लोग यहाँ वहाँ से, बट ये नया मैंने पहनना शुरू किया है, लॉन्ग यू नो टी शर्ट्स होती हैं, लॉन्ग हिप हॉप स्टाइल में थोड़ा आता है, सो वो है। और गिनी चुनी चीज़ों का मुझे शौक है, अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं जिसमें जूतों का है शौक़ मुझे, चश्मों का बहुत शौक है मुझे, मेरे पास एटलीस्ट इस टाइम 250 से 300 चश्मे होंगे, सारे तो ले जा नहीं पाऊँगा, बट जितने मैं मेरे बैग जब मैं ट्रैवल करता हूँ मेरे बैग में एटलीस्ट 25-30 चश्मे होते हैं। किशोर से गालियाँ भी पड़ती हैं कि इतने चश्मे कौन ले जाता है, बट बिकॉज जिस दिन तैयार होता हूँ उस दिन पता नहीं होता कौन सा चश्मा पहनने का मन कर जाएगा। सो वो है, हेडफोन्स होते हैं मेरे पास अपने म्यूजिक के, सो ये सब मोस्टली मैं कैरी करता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ। हेयर कट के बारे में सोचा, ये हेयर कट रहेगा फिर कुछ यार चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वापस आके एक चीज़ प्रोजेक्ट है जो शुरू करना है, सो स्टाइल चेंज होगा वापस आके, बट ना कलर कर सकते हैं ना कुछ कट कर सकते हैं। बट मुझे टोपियों का बहुत शौक है, अभी मैंने रिसेंटली टोपियाँ पहननी बहुत शुरू की हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टोपियों में रहता हूँ, बाल सेट करने की टेंशन नहीं रहती, एक बार पहन लो फिर उसका सारा दिन उसी में चल जाता है। सो ओके, लिविंग जॉर्डन, आप अपने पर्सनल में कोई डेस्टिनेशन या कोई प्लेस एक्सप्लोर करना चाहेंगे? एक्सप्लोर करना चाहेंगे आई थिंक मैं ऑस्ट्रेलिया, हम लोग दिसंबर में जा रहे हैं, मेरा हमेशा से मन था ऑस्ट्रेलिया कवर करने का, ऑस्ट्रेलिया एंड US अभी जा रहे हैं, सो दो चीज़ें हो गई, एक पेरिस एम्स्टरडेम बचा है जो मेरी लिस्ट पे है, और एक अफ्रीका के जंगलों में विद दिस मैं जाना चाहूँगा, बिकॉज एनी वेयर समर जहाँ पे वाइल्ड लाइफ अच्छा मिलता है, बट आई थिंक नथिंग अफ्रीका से बेटर कहीं नहीं मिलता है वाइल्ड लाइफ के लिए, सो अफ्रीका है फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, कुछ फैंस से कहना चाहेंगे अपने शो को लेकर? फैंस को ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी पिक्चर्स और आपको बहुत सारे स्नैपचैट्स किशोर पे आप देख सकते हैं, हमारी बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी आपको, हम अपने थ्रू आपको जॉर्डन कितना ब्यूटीफुल है हम आपको दिखाएंगे, एंड फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट यू नो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हम भी देखेंगे, एंड वील मेक श्योर कि जितना हम लोग दिख रहे हैं उतना ही हम आपको दिखाएँ। एंड वंस ये बैक आपको एक प्रॉपर एक ट्रैवल डायरी हमारी मिलेगी जिसमें हमारे सबकी यू नो
बाइट्स होंगे, हम लोग का दिन कैसा रहा, जगह कैसी, कितनी खूबसूरत लगी हमें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सो वो सब आप नहीं जाके भी हमारे साथ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। एक्सीलेंट।